आइए सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर में खत्म हो रहे साल में क्या हुआ और नए साल में क्या आशंका नजर आ रही है। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए, रूस यूक्रेन वॉर जो कि अब दूसरे साल में पहुंचने वाला है, 2022 में क्या हुआ सबसे पहले ये जानिए। पुतिन के अनुमान गलत पड़े, वाकई में जिस अनुमान के साथ ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था व्लादिमीर पुतिन ने, वो अनुमान गलत निकला। अब नए साल में यानी कि 2023 में क्या आसार हैं, क्या होने वाला है? बैकफुट पर आए पुतिन, खतरनाक कोई फैसला ले सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। अब पिछले साल यानी कि 2022 में क्या हुआ जो कि आज इसका आखिरी दिन है, उम्मीदों से काफी लंबा ये युद्ध चला जिसके कयास लगाए नहीं जा रहे थे पुतिन की ओर से, वो हुआ। आने वाले साल में क्या होगा, 2023 में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है और कहा यह भी जा रहा है कि 2022 में जो यूक्रेन को अप्रत्याशित मदद मिली है उसका अंदाजा किसी को नहीं था कि इतनी ज्यादा मदद यूक्रेन तक पहुंच सकती है, लेकिन यह हुआ। 2023 में क्या आसार है, अमेरिका विरोधी खेमा बन सकता है, यानी कि पुतिन को एक बड़ा खेमा तैयार कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। 2022 में क्या हुआ, कहीं ना कहीं विश्व पर इसका असर पड़ा, युद्ध का असर हुआ है। 2023 में क्या होगा, आने वाले साल में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। यूरोप की में भीषण एनर्जी संकट 2022 में देखने को मिला इस युद्ध की वजह से, लेकिन 2023 में क्या आसार है, यूरोप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये मुश्किलें कम नहीं होंगी। तो हमने आपको बताया कि 2022 में युद्ध में क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो 2023 में आखिर क्या आसार हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए।